आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कुछ दिनों पूर्व भवरकुआं थाना क्षेत्र में एक अत्यंत ही घिनौनी वारदात हुई थी, जिसमें रिश्ते में लगने वाले चाचा ने मासूम भतीजी के साथ बिस्किट दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। मासूम द्वारा विरोध करने पर चाचा ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में भवरकुआं थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य संदिग्ध जानकारियों को जुटाकर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था तथा आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की थी। थाना प्रभारी की सक्रियता से प्रभावित होकर ऑल इंडिया न्यूज चैनल के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सोनी एवं शहर अध्यक्ष राकेश यादव के साथ टीम के सदस्यों ने भवरकुआं थाने जाकर टीआई श्री इंद्रेश त्रिपाठी का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रश्मि शर्मा, सुभाष प्रजापति, शंकर पवार, मोहम्मद सूफ एवं मोहम्मद यूसुफ उपस्थित थे। एक्चुअली जो लड़की थी, सात वर्ष की जो मासूम बालिका थी, उसका रिश्ते का चाचा उसको घर से ले गया था और सुनसान जगह पे ले जाके बुरी नीयत से ले गया। बच्ची ने बोला कि घर चलो, चिल्लाई वो तो उसने उसका ईंट, सीमेंट लगी ईंट से उसका चेहरा कुचल दिया, सिर में वार किए, जिससे उसके करीब 7-8 फ्रैक्चर थे सिर में। लड़की की मौत हो गई। उस मामले में 363, 366, 307 धारा 302 और 800 एक्ट का मामला कायम किया गया है और घटनास्थल से सभी चीज़ें जब्त की गई हैं। बच्ची के जो रक्तरंजित कपड़े थे वो जब्त किए हैं। इसकी सभी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, घटनास्थली कराई गई है और कोशिश रहेगी कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले और ये हमारे चिन्हित मामले जो होते हैं उसमें हमारे अधिकारीगण इसको रखेंगे तो शीघ्र इसमें ऐसी सजा कराएं जिससे लोगों को ये संदेश जाए, मैसेज जाए कि ऐसी घटना नहीं करना चाहिए।